देख सकते हैं आप लोग, हम लोग एलिवेटर पे हैं, ये ऑटोमेटिक है, ये जैसे जैसे राम मंदिर बना हुआ है। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज है 30 तारीख और आज हम लोग अभी एक दिन हुआ आए हुए पटना में पढ़ने के लिए। तो अभी तो कोचिंग में हम लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, लोग ज्वाइन हम लोग का अभी बाकी है, ज्वाइन कर ले हैं और उसके बाद कोचिंग स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग कोचिंग जाएंगे और उसके बाद तब तक हम लोग फ्री ही हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सोचे हैं लोग थोड़ा घूमने चला जाए, मेरा जो दोस्त है रूममेट वो बोला चलो थोड़ा घूम के आया जाए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाइस पटना का जंक्शन, वहाँ पे मेरा दोस्त गया हुआ है एक बार, वो पहले से ही रह रहा है, बोला है कि वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है, वहाँ पे देखने के लिए बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं और बने रहिए ब्लॉग पे, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ठीक है, अभी हम लोग आ गए हैं पटना जंक्शन, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, बहुत देर लगा, थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। और यहीं पे गाइस मंदिर है, मंदिर है और उसी में चलेंगे, आपको बहुत ही मस्त नज़ारा है, आप लोगों को दिखाएंगे, देख लीजिए यहीं है पटना जंक्शन। अभी आपको आने का मौका मिला शायद गाइस, यहीं मंदिर है हमको लगता है, मेरा दोस्त बुला के लाया है, हालाँकि हमें तो नहीं पता है। और देखिए वहाँ पे वो है, कितना मस्त मस्त बनाया गया है, पटना जंक्शन काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे विजिटर जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं गाइस, दिखाते हैं। और वहाँ पे डिजिटल बोर्ड है गाइस, आप लोग देख सकते हैं चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का पिक्चर, बहुत सारे पिक बनाया गया, काफ़ी बड़ा है गाइस हम पटना जंक्शन जो है, यहाँ पर लगभग 5-6 गेट नंबर है, वहाँ से जाना पड़ता है, हमें ये यकीन नहीं हो रहा है कितना बड़ा जंक्शन है गाइस। गाइस अभी देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत, हम लोग जंक्शन के अंदर आ चुके हैं, जंक्शन के अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं इधर बहुत सारे यात्रीगण हैं, यहाँ पे ट्रेन भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और हल्ला भी है इधर, ठीक है ना। तो अभी आगे चलिए और भी दिखाते हैं और बहुत कुछ दिखाएँगे गाइस आपको। गाइस हम लोग, आप लोग इसका व्यू, बड़ा व्यू दिखाते हैं, पटना जंक्शन कैसा है देख सकते हैं आप लोग, देखिए कैसा, कितना बड़ा, कितने दूर स्तर में है गाइस, बहुत बड़ा पटना जंक्शन है। कभी आप लोग को मौका मिले तो आइए पटना जंक्शन घूमने, बहुत ही मस्त जगह है। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग एलिवेटर पर हैं, ये ऑटोमेटिक है, ये चलता रहता है ऑटोमेटिक, देखिए गाइस जो नीचे आ रहा है लेकिन नीचे आ नहीं पा रहा है, चल रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे पहला मॉडल है, मतलब जो जंक्शन में ट्रेन चलता है, और पुराना ट्रेन का जो इंजन है वो है, लेकिन अभी ये नहीं चलता है, इसीलिए पटना जंक्शन में इसको शोपीस के लिए रख दिया गया, यहीं पे इधर चलना है, इधर चलना है हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं लोग, राम मंदिर है यहाँ पर और देख सकते हैं आप लोग इसको, आप दिखाते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया मंदिर है गाइस, आप लोग भी आइए इधर घूमिएगा। और इधर गाइस देख सकते हैं आप लोग राम जी का मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मंदिर है गाइस, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कृष्णा जी का मंदिर है, देखिए आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारा गाइस मंदिर है, आप लोग भी आ सकते हैं, अपनी मन्नत मांग सकते हैं, यहाँ पे मन्नत बहुत सारा पूरे होता है, मतलब ऐसा माना जाता है मंदिर में। देखिए गाइस ये राम मंदिर का जो है 2 कॉपी है, देख सकते हैं आप लोग एकदम, ये उसका स्ट्रक्चर है आपको दिखाने के लिए कि राम मंदिर कैसा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस, ये जो बना हुआ है आर्किटेक्ट ने बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया है, देख सकते होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पे पूजा चल रहा है, बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शायद कुछ ये बोल रहे हैं, जो माइक में आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है यही गा रहे हैं शायद, यही गा रहे हैं, यहाँ पे सत्संग लोग सुन रहे हैं बैठ कर आराम से मजे से। इधर से आपको पटना का नज़ारा दिखाते हैं गाइस, पटना बहुत बड़ा है,
देखिए इधर और इधर भी, इधर भी देखिए आप वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी, पटना छोटा शहर नहीं है गाइस। मुझे तो लगता था पहले पटना काफ़ी छोटा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिटी सेंटर आप लोग देख सकते हैं। ये भी देख लीजिए, ठीक है ना गाइस, फ़ोटो वोटो खींच के फिर चलेंगे अपने घर। यहाँ से गाइस आपको दिखाते हैं पटना जंक्शन कितना बड़ा है, देखिए और बताइए हमको कितना गाड़ियाँ गाइस लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। वहाँ से होकर यहाँ पे बहुत सारा बौद्ध का चित्र है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य का चित्र है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत सारे चित्र है यहाँ पे और भी चित्र हैं, और इधर भी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है गाइस, यहाँ पे अभी बदलता रहता है, देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे बदल रहा है। पटना जंक्शन 1861 इसमें लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे तिरंगा है देश का। और इधर भी देख सकते हैं महात्मा बुद्ध क्रांति स्तूप, बहुत सारा पटना का जितना भी बड़ा बड़ा जगह है यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर में नीचे चलेंगे और शायद और कुछ तो नहीं है, खाएंगे और चलेंगे घर। तो गाइस अभी हम लोग एग रोल खा रहे हैं, दिखाते हैं आपको, देखिए एग रोल बन रहा है, हम लोग का रेडी हो रहा है, देखिए यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं एग रोल, और यहाँ से अभी हम लोग एग रोल खाएंगे और डायरेक्ट मिलते हैं हॉस्टल में आपको। तो चलिए खा के आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, तो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही, और आपने देखा भी होगा सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। टाटा बाय बाय।